नमस्कार, लाइव सिटीज .in देख रहे हैं आप। मैं हूं अक्षय आनंद। मेरे पीछे का नज़ारा गांधी मैदान में संसद बनाया गया है। निषाद विकास संघ की महारैली है और इस मंच को एक संसद की तरह बनाया गया है, क्योंकि निषाद विकास संघ के अध्यक्ष मुकेश सहनी, जिन्हें लोग सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं, उनका मानना है कि जब मल्लाह इसने संसद में बैठेंगे तभी वह 2019 में दिल्ली के संसद में जाएंगे। बाईं ओर हम आपको दिखाते हैं कि अन्य मंच भी बना है। जुबा सहनी मंच, वीरांगना फूलन देवी मंच और अन्य जो मल्लाह समुदाय के बड़े नेता थे उनके नाम का मंच बनाया गया है। वहीं दाहिनी ओर हुकुमदेव शास्त्री बिंद नाम से भी मंच बनाया गया है और ये नज़ारा गांधी मैदान का है। भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, हाथ में लाल झंडे लहरा रहे हैं। लोगों में खूब उत्साह है। हम इनसे भी पूछेंगे इनकी मांगे क्या है, किस मांग को लेकर यहाँ आए हैं। लेकिन एक बार इस तरफ का भी नज़ारा दिखा दे कि लाल झंडों से ये पटना का गांधी मैदान जो है वो पटा है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आइए, किस मांग को लेकर यहाँ आए हैं? हम लोग आरक्षण के लिए आए हैं सर। आरक्षण के लिए हम लोग आए हैं। ओबीसी से एसटी में एससी में आना है। बिल्कुल एसटी में आना है हम लोग ओबीसी से सर। और मुकेश सहनी जी को हम लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं एक बार। बिहार में जितने भी लोग राज कर चुके हैं हमारे बिहार में, प्रदेश में, हम लोग देख चुके हैं उनके शासन को और कुशासन को भी बहुत झेल चुके हैं बिहार की जनता। सो इस बार मुकेश सहनी तो हर के नाम पे मुकेश सहनी का नाम है। एक अलग तरीके का मंच बनाया गया है, काफ़ी लंबा, बीच से दोनों साइड पब्लिक है, काफ़ी उत्साहित है। हालांकि नीतीश सरकार ने आवेदन दे दिया है एससी, जो एससी में लाने की बात हो रही है निषाद समुदाय को, उसके लिए प्रतिवेदन जो कहते हैं वो दे दिया है। मगर पिछले बार मुकेश सहनी एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। इस बार कह रहे हैं कि जो भी निषाद की मांगों को पूरा करेगा उसके साथ रहेंगे। मांग है निषाद को ओबीसी से उठाकर एससी में शामिल कराना, आरक्षण देना। पटना में जन संसद लगा है, देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है, 2019 में क्या इफेक्ट होता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।